सुप्रभात बच्चों, इस विद्या में आपका स्वागत है। ममता जयशंकर प्रसाद जी की एक सुप्रसिद्ध कहानी है, जिसमें उन्होंने ममता चरित्र के माध्यम से बाल विधवा की करुण कथा का चित्रण किया है। साथ ही उन्होंने भारतीय नारी की गरिमा भी दर्शाया है। हमने जो ममता का जो पहला भाग का अध्ययन किया था, उसमें हमने ममता का जो विधवा रूप है, जो जिसकी उसकी जो करुण कथा है, वह उन्होंने उस पहले भाग में दर्शाया था कि कैसे भारतीय विधवा को संसार में सबसे तुच्छ निराश्रय प्राणी माना जाता था, और उनकी जो विकल अवस्था थी उनको ममता के द्वारा, जो कि बाल विधवा थी, उनके द्वारा इस पहले भाग में दर्शाने की जयशंकर प्रसाद जी ने कोशिश की है। हमने ये पढ़ा था पहले भाग में कि कैसे ममता अपने दुख में ही सर्वदा विकल थी और अपने में ही वो खोई रहती थी। आइए उसका अगला भाग आज हम अध्ययन करते हैं। अपना किताब निकाल के मेरे साथ पढ़ने की कोशिश करें। चूड़ामणि ने चुपचाप उस प्रकोष्ठ में प्रवेश किया। स्वर्ण के प्रभाव में वह अपना जीवन मिलाने में बेसुध थी। पिता का आना न जान सकी। चूड़ामणि व्यथित हो उठे। स्नेहपालिता पुत्री के लिए क्या करें, यह स्थिर ना कर सकते थे। लौटकर बाहर चले गए। ऐसा प्राय होता, पर आज मंत्री के मन में बड़ी दुश्चिंता थी। पैर सीधे न पड़ते थे। एक पहर रात बीत जाने पर फिर वे ममता के पास आए। उस समय उनके पीछे 10 सेवक चांदी के बड़े थालों में कुछ लिए खड़े थे। कितने ही मनुष्य के पद शब्द सुन ममता ने घूम कर देखा। मंत्री ने सब थालों को रखने के संकेत किया। अनुचर थाल रखकर चले गए। ममता ने पूछा, यह क्या है पिताजी? तेरे लिए बेटी उपहार है, यह कहकर चूड़ामणि ने आवरण उलट दिया। सुवर्ण का पीलापन उस सुनहली संध्या में विकीर्ण होने लगा। ममता चौंक उठी। इतना स्वर्ण ये कहाँ से आया? चुप रहो ममता, यह तुम्हारे लिए है। तो बच्चों, जैसे कि हमने पहले भाग में पढ़ा था कि ममता, जो कि रोहतास दुर्गपति के बेटी थी, या हम कह सकते हैं कि मंत्री चूड़ामणि जी की अकेली पुत्री थी, वह हमेशा क्या करती रहती थी, अपने आप में खोई रहती थी। इसी अवस्था में जब वो स्वर्ण नदी के प्रभाव में अपने को मिलाने में व्यस्त थी, तभी उनके पिताजी मंत्री चूड़ामणि जी उनके प्रकोष्ठ में चुपचाप उनके प्रकोष्ठ में प्रवेश किया। तो आप यहाँ बच्चों देखिए, ने का प्रयोग हुआ है। आप लोग जब आठवीं कक्षा में थे तब आप ने का प्रयोग, ने जो कर्ता कारक का परसर्ग है, विभक्ति चिन्ह है, उसका प्रयोग आप लोगों ने किया है। तो चूड़ामणि ने चुपचाप उस प्रकोष्ठ में प्रवेश किया। ममता जिस कमरे में बैठी हुई थी उस कमरे में चूड़ामणि प्रवेश किए। स्वर्ण के प्रभाव में वह अपना जीवन मिलाने में बेसुध थी। एक शब्द यहाँ पर आप देखिए, बेसुध। बेसुध का अर्थ क्या है? जैसे कि आप देख रही थी कि वो खोई रहती थी, हमेशा अपने दुख में ही अपना अवस्था में वो खोई रहती थी। तो बेसुध का अर्थ क्या है? सुध का विपरीत हो गया, विलोम शब्द हो गया बेसुध। तो यहाँ पर आपके उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, तो सुध के साथ वे उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, और बेसुध का अर्थ आपका है, हम कह सकते हैं वो अपने आप में मग्न थी, बेहोश थी, जैसे शब्द हम बेसुध के बदले में व्यवहार कर सकते हैं। तो वो हमेशा अपने जो बाल विधवा की जो अवस्था थी उसके बारे में सोचती रहती थी, दुख में थी, इसीलिए वो हमेशा किसी चिंता में खोई रहती थी, जिसको लेखक ने यहाँ कहने की कोशिश की है कि वो स्वर्ण नदी के प्रभाव में अपने जीवन को मिलाने में मग्न थी। बेसुध थी मतलब मग्न थी। पिता का
पाना न जान सकी। जब मंत्री चूड़ामणि उनके कमरे में आए, उनके पिताजी जब उनके कमरे में प्रवेश किए, उनका आना, उनके पिताजी का आना न जान सकी, वह जान नहीं पाई। चूड़ामणि व्यथित हो उठे, व्यस्त हो उठे कि उनकी बेटी इतनी अपने आप में बेसुध हैं, इतनी अपने आप में खोई हुई हैं कि उन्हें किसी का आना या दुनिया में क्या हो रहा है उसके बारे में कोई खबर ही नहीं है। ये सोचकर मंत्री चूड़ामणि क्या हो उठे, व्याकुल हो उठे, व्यस्त हो उठे। स्नेह पालिता पुत्री के लिए, स्नेह से पाली गई, स्नेह पालिता, जब हम लोग समास के बारे में पढ़ेंगे तो ये पढ़ेंगे, हम लोग स्नेह पालिता के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ पर स्नेह पालिता को हम विशेषण के रूप में ले सकते हैं। कैसी पुत्री? स्नेह से पाली गई उनकी पुत्री। आप तो जानते हैं कि वो उनके अकेली ही दुहिता थी, बेटी थी, तो वो बड़े, और वो राजकुमारी भी थी, मंत्री चूड़ामणि की बेटी थी, उनको कोई अभाव नहीं था, धन का हो या स्नेह का कोई अभाव नहीं था, तो वो इसलिए उनको कहा गया है उनकी स्नेह पालिता पुत्री के लिए क्या करे, ये स्थिर ना कर सकते थे। मंत्री चूड़ामणि क्यों व्यथित थे? क्योंकि वो स्थिर नहीं कर पाते थे, ये तय नहीं कर पाते थे कि ऐसा क्या किया जाए कि उनकी बेटी जो स्नेह से पाली गई थी वो खुश रहे, अपने आप में ऐसे बेसुध ना रहे। ये सोचकर वे बाहर लौटकर चले गए। ऐसा प्राय होता ही रहता था, जैसे कि लेखक जी ने आपको पहले भाग में ये बता दिया था कि वो हमेशा अपने आप में मग्न रहती थी, खोई हुई रहती थी, तो उनके कमरे में कौन आता है, कौन क्या करता है, इसके बारे में वो प्रायः तो अज्ञ रहती थी, नहीं जान पाती थी। तो इसीलिए यहाँ पर ये कहा गया है कि ऐसा प्राय होता, ये हमेशा होता ही रहता था कि मंत्री चूड़ामणि जी जब उनके कमरे में आते थे, उनकी बेटी को हमेशा वेसुध होती हुई देखा करते थे, वे उनको हमेशा दुखी देखा करते थे, वो हमेशा सोन की प्रभाव में खोई हुई देखा करते थे। लेकिन आज मंत्री चूड़ामणि जी के मन में बड़ी दुश्चिंता थी, ये तो हमेशा वो देखा करते थे कि उनकी बेटी की अवस्था क्या है, फिर भी आज ऐसा क्या हुआ था कि उनके मन में बड़ी दुश्चिंता थी। आप यहाँ पर एक शब्द देखिए, दुश्चिंता, तो हम लोग चिंता के साथ इसको ऐसे अलग कर सकते हैं। तो वो दुश्चिंता में डूबी हुई थी, और दुश्चिंता शब्द यहाँ पर कौन सा लेंगे आप मुझे सोच के बता सकते हैं? देखिए यहाँ पर लिखा गया है बड़ी दुश्चिंता, तो बड़ी का इस्तेमाल हुआ है, तो दुश्चिंता कौन सा लिंग है? स्त्रीलिंग शब्द है। तो मन में, उनके मंत्री जी के मन में बड़ी ही चिंता थी। पैर उनके सीधा न पड़ते थे, उनके पैर सीधे नहीं पड़ते थे, तो क्या उल्टे पड़ते थे? नहीं बच्चों, ये कहावत है, एक मुहावरा है कि उनके पैर सीधा न पड़ना, अर्थात अपने में मग्न रहना, दुश्चिंता में खोए रहने को हम लोग क्या कहते हैं? पैर सीधा न पड़ना। एक पहर रात बीत जाने पर फिर वे ममता के पास आए। एक पहर मतलब रात का एक भाग, एक समय गुजर जाने के बाद, बीत जाने के बाद वे ममता के कमरे में वापस आए। कौन वापस आए? मंत्री चूड़ामणि जी वापस आए। उस समय उनके पीछे 10 सेवक, कितने सेवक? सेवक मतलब अनुचर, उनके जो नौकर थे, कितने आए थे? 10 आए थे, और चांदी के बड़े थालों में, थाली जो थाली होता है यहाँ पर, बड़े थालों में, यहाँ पर बहुवचन किया गया है, तो चांदी के 10 चांदी के बड़े बड़े थालों में कुछ लेकर आए थे। क्या लेकर आए थे ये हम अनुमान नहीं लगा पा रहे हैं, क्योंकि उसके ऊपर आवरण रखा गया था। आवरण मतलब कुछ जिसको हम ढककर रखते हैं, जिसके द्वारा हम किसी चीज को ढकते हैं उसको हम क्या कहते हैं? आवरण। तो आवरण के द्वारा ढके हुए 10 चांदी के बड़े थालों में उनके सेवक अनुचर कुछ लेके उनके साथ आए थे। जब इतने सारे 10 सेवक और मंत्री चूड़ामणि जी, 11 लोग हो गए, तो इतने लोग जब एक साथ ममता के कमरे में वापस आए, तो ममता ने उनके पद शब्द
पैर के शब्द को सुनकर, पैर के आवाज को सुनकर उनके तरफ घूमकर देखा। लेकिन जब मंत्री चूड़ामणि जी अकेले आए थे तो ममता अपने आप में खोई हुई थी, उन्हें पता ये नहीं पता लग पाया कि उनके कमरे में कौन आया है। लेकिन अभी जब इतने सारे लोग आए तो ममता ने क्या किया, घूमकर उन्हें देखा। मंत्री ने सब थालों को रखने का संकेत किया। उन्होंने मुंह से कुछ ना बोलकर, संकेत करना मतलब हम मुंह से कुछ ना कहकर जब अपने हाथ से या फिर कोई इशारा देते हैं तो उसे क्या कहते हैं, संकेत। तो उन्होंने संकेत, उनके अनुचरों को ये संकेत दिया कि सब थालों को रख दिया जाए। अनुचर थाल रखकर चले गए। तो अनुचर मतलब उनके जो सेवक, उनके जो नौकर थे, वो सारे जो थाल लेके आए थे उसको रखकर चले गए। ममता ने पूछा, यहाँ पर एक लिखा गया है ममता ने पूछा। तो आपके मन में ये सवाल आता होगा कि ममता तो लड़की थी, स्त्रीलिंग है, तो यहाँ पर ममता ने पूछा कैसे हुआ। जब ने का प्रयोग आप लोगों ने 8वीं कक्षा में पढ़ा था तब आपने ये पढ़ा होगा, जब कर्ता के पास ने का प्रयोग होता है और यहाँ पर कोई कर्म नहीं होता है तो आपका जो क्रिया होता है अतीत काल में, हम लोग ने का प्रयोग कहाँ करते हैं, भूतकाल में ही करते हैं। तो भूतकाल में सकर्मक क्रिया के पास हम लोग, जब क्रिया सकर्मक होता है तभी हम कर्ता के पास ने का प्रयोग करते हैं। अगर कर्ता के पास ने का प्रयोग होता है और यहाँ पर कोई कर्म नहीं होता है तो हम लोग क्या करते हैं, इसको तृतीय पुरुष पुल्लिंग के हिसाब से हम लोग अपने क्रिया को इस्तेमाल करते हैं। इसलिए यहाँ पर लिखा गया है ममता ने पूछा। यह क्या है पिताजी, उन जो सारे थालों को लेके वो लोग आए थे वो तो आवरण से ढका हुआ था, इसीलिए ममता ने अपने पिताजी से पूछा कि ये सब क्या है। तेरे लिए बेटी उपहार है, उनके पिताजी ने उनके लिए उपहार लेके आए हैं, ऐसे जवाब दिया। यह कहकर चूड़ामणि ने आवरण उलट दिया। ये बात सुनाकर चूड़ामणि जी ने क्या किया, उसके जो आवरण, उन थालों के ऊपर जो आवरण थे उसको उलट दिया, अलग कर दिया। सुवर्ण का पीलापन, सुवर्ण मतलब स्वर्ण, सोना, तो उसमें क्या लेके आए थे, वो सोना लेके आए थे। सोने का जो पीलापन, पीला मतलब आप जानते हैं रंग, पीला रंग, तो पीला रंग का जो उसका जो पीलापन, उसका जो रंग है, उस सुनहली संध्या में, उस संध्या को उसने क्या बना दिया, सोने का जो सुवर्ण का जो पीलापन है उस संध्या को सुनहली बना दिया, सोने रंग की बना दिया। संध्या में विकीर्ण होने लगा, विकीर्ण होना मतलब फैलना, चारों तरफ फैल जाना, तो उसकी जो सुवर्ण की जो पीलापन था वो चारों तरफ विकीर्ण फैल गया। ममता चौंक उठी, एक साथ इतने सारे थालों में जो सुवर्ण था उसका पीलापन से जो चारों तरफ उसका जो पीलापन विकीर्ण होने लगा वो देखकर ममता चौंक उठी। इतना स्वर्ण ये कहाँ से आया, इतने सारे स्वर्ण उनके पिताजी कहाँ से लाए, ये सवाल वह उनसे पूछने लगी। चुप रहो ममता, ये तुम्हारे लिए। तो उनके पिताजी ने क्या जवाब दिया कि इतने सारे स्वर्ण वो ममता के लिए ही लेके आई है। तो यहाँ पर आप लोग बच्चों देखते होंगे ढेर सारे तत्सम शब्द का प्रयोग किया गया है। जब हम लोग शब्द के बारे में पढ़ेंगे तो उसमें एक है तत्सम शब्द, संस्कृत के साथ जो शब्द समान होता है, जो संस्कृत से जो शब्द लिया जाता है उसको हम कहते हैं तत्सम शब्द। अब देखिए दुर्गपति, निराश्रय, तो ये जो सारे शब्द है ये कैसे शब्द है, तत्सम शब्द है। इसके अलावा यहाँ पर विभक्ति का प्रयोग हुआ है, जो कारक का प्रयोग हुआ है इसके बारे में भी हम ज्यादा पढ़ेंगे। जब हम विभक्ति या कारक के बारे में पढ़ेंगे, एक को हमने आपको यहाँ पर ने का प्रयोग दिया, ये भी एक विभक्ति है, जो आपका पहला विभक्ति है, कर्ता कारक का चिन्ह होता है ने, उसका प्रयोग आप लोगों ने देखा। फिर इसके अलावा आप देख सकते हैं इसमें ढेर सारे विराम चिन्ह है, विराम चिन्ह हम लोग वाक्य में व्यवहार करते हैं। यहाँ पर इस कहानी को इस तरह से उपस्थापना किया गया है कि उसमें आपस में बातचीत करते रहते हैं, तो उसमें ढेर सारी विराम चिन्ह का प्रयोग होता है। इसके अलावा यहाँ पर आपको उपसर्ग प्रत्यय का व्यवहार भी देखने को मिलेगा। जैसे कि एक शब्द है आपका निराश्रय, तो निही आश्रय, तो यहाँ पर उपसर्ग आपका क्या हो गया, निही।
प्रकोष्ठ, यहाँ पर आपका उपसर्ग कौन सा हो गया, प्र हो गया। तो इस सारे इन सब के बारे में हम लोग बाद में अच्छे से आलोचना करेंगे। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।